अभी जो मैच खेला जाएगा उनके बारे में। ये मैच खेला जाएगा आज 10:30 बजे जो रात का अपने इंडियन अनुसार रात्रि में ये मैच खेला जाएगा। रात्रि में खेले जाने वाले मैच में कौन सा टीम स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टीम कमज़ोर है, सारा बात बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कौन सा टीम कितने बार जीते हैं, हेड टू हेड मुकाबले कितने खेले हैं, रिसेंट का फॉर्म कैसा है, ताकि आपको टीम बनाने में कोई परेशानी ना हो। अब करेक्ट टीम पर क्लिक करते हैं। करेक्ट टीम पर क्लिक करने के बाद देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बैटिंग पिच है, यहाँ पर पिच रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट जो है बैलेंस पिच है, यहाँ पर गुड पेसर है, यहाँ पर एवरेज स्कोर 107 है, यहाँ पेन द कंट्री ग्राउंड दुबई में खेला जाएगा। दोनों टीम आपस में कुल हेड टू हेड मुकाबला एक खेले हैं, एक मुकाबले में से दोनों एक दो खेले हैं, दोनों एक 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 विन किए हैं। तो इस कंडीशन में देखा जाए दोनों स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर खास मकसद है कि 7 मुकाबले खेले गए हैं इस ग्राउंड पर। रिसेंट के 7 मुकाबले में से 5 मुकाबले जो है बैटिंग फर्स्ट वाले विन किए हैं और बैटिंग सेकंड वाले विन किए हैं 2। इनमें ध्यान रखने वाले बात है, जो बैटिंग फर्स्ट करेगा उनका एवरेज ज़्यादा मिलेगा और वो अच्छे खासे प्रदर्शन करने का उम्मीद उनसे लगा सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि ये बैटिंग पिच है नहीं है ना बॉलिंग पिच है, बैलेंस पिच है। बैलेंस पिच का मतलब ही होता है कभी भी सोग नदी, जिस तरह कोसी का सोग नदी माना जाता है उसी तरह को सोग टीम बैलेंस पिच पर ना तो आप कन्फर्म रूप से टीम बना सकते हैं, तो बैलेंस पिच पर आपको बैलेंस टीम और बैलेंस प्लेयर को लेना होगा। अब बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्शन से। यहाँ पर जो है विकेट कीपर सेक्शन में एन जोसन का रिकॉर्ड ठीक ठाक है और अच्छे खासे प्रदर्शन करेगा, और लेकिन इनका सेलेक्शन परसेंट कम है, थोड़ा नीचे उतरेगा। रिकॉर्ड की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड है, इसलिए मैं अपने टीम में एन जोसन को लिया हूँ, क्योंकि इनका रिकॉर्ड की दृष्टि रिसेंट के फॉर्म ठीक ठाक है। बैटिंग सेक्शन में देखा जाए बैटिंग में डैट ने डैट को रिकॉर्ड ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छे खासे प्रदर्शन करता है, अभी तक रिसेंट के मैच में फ्लॉप्स नहीं हुआ है। अब यहाँ पर मैं पहले जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है, सेफ प्लेयर है, उन पर ले लेते हैं। एज चैप्टन ये ठीक ठाक प्रदर्शन करता है और अच्छे खासा उम्मीद इनसे लगा सकते हैं, क्योंकि बैलेंस पिच है तो आपको बैलेंस प्लेयर को लेना है। यहाँ पर मैं अपने टीम में एस संग शामिल करूँगा, एस संग को शामिल है, विल नहीं खेलेगा, आईकॉन नहीं खेलेगा, एस करी नहीं खेलेगा, तो आई फ्रॉन्ड जो ठीक ठाक प्रदर्शन कर लेता है श्रीलंका के, मैं अपनी टीम में इसे पिक करूँगा। इसे पिक करने के बाद देखिए, इसे पिक करने के बाद के सोर्सन को पिक करूँगा, के पिसन को पिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ओलंडर सेक्शन में आइए, ओलंडर सेक्शन में के नॉर्डन एच जब ठीक ठाक प्रदर्शन करने का उम्मीद लगा सकते हैं। रिसेंट के फॉर्म एप फॉर्म खेलेगा, ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकता है। अब यहाँ पर मैं बैट्समैन में बता देता हूँ, हैंगकॉर्न का रिकॉर्ड ठीक ठाक है, अच्छे प्रदर्शन कर रहते हैं। यहाँ पर हैसोमकिन ठीक ठाक प्रदर्शन करने का उम्मीद आप इनसे लगा सकते हैं, रिकॉर्ड शानदार है और अच्छे खासे प्रदर्शन कर लेगा। देखिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए सेफ टीम बनाया हूँ, देखिए 2 विकेट कीपर लिया हूँ, 3 बैट्समैन लिया हूँ, 1 ओलंडर, 3 ओलंडर लिया हूँ और 3 बॉलर लिया हूँ। अब नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद देखिए मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन, अगर बैट्समैन की दृष्टि से आप कैप्टन और वाइस कैप्टन देना चाहते हैं डैट नी डैट को दे सकते हैं, अगर आप बॉलर की दृष्टि से देना चाहते हैं तो के आर्सन को वाइस कैप्टन दे सकते हैं। मैं कैप्टन दूंगा, मैं बैट्समैन और बॉलर दोनों की दृष्टि से देना चाहता हूँ। अगर सेफ कैप्टन देना चाहें चेस कैप्टन को दे सकते हैं, क्योंकि इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक है, बहुत अच्छे प्रदर्शन करने का उम्मीद लगा सकते हैं, अगर इसे ये सब 3 जो है ठीक ठाक प्रदर्शन कर लेते हैं। अब मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन थोड़ा रिक्सी दूंगा और सेव नहीं दूंगा, एन कैप्टन को देगा, क्योंकि स्पिनर है, ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकते हैं, इंग्लैंड का है, और यहाँ पर आप चाहे तो सेव दे सकते हैं। मैं वाइस कैप्टन के वर्सन को दूंगा, मैं सेव नहीं दूंगा, मैं जानता हूँ ऐसे तो बैटिंग पिच है, बैलेंस पिच है, तो कैप्टन इसे देना
और वॉइस कैप्टन एच चैप्टर को दे सकते हैं क्योंकि ओपनर करेगा और ठीक ठाक प्रदर्शन करने का उम्मीद इनसे लगा सकते हैं। दोनों टीम कमज़ोर नहीं है। अगर आप रिक्सी कैप्टन देना चाहते हैं कैप्टन के रूम में इसे शामिल करें और वॉइस कैप्टन के रूम में डेटनी डॉट को शामिल कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कैप्टन और वॉइस कैप्टन पसंद आए या आपको टीम पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। आज देखिए उसके बाद मैं अपने टीम का प्रीव्यू दिखाता हूँ किस तरह से रहेगा। मेरे टीम का प्रीव्यू इस तरह से रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।